हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइलेंट वर्ड्स के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें किसी ने कमेंट्स करा था कि आप साइलेंट वर्ड्स की वीडियो बनाइए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है साइलेंट वर्ड्स। कौन से वर्ड कब साइलेंट्स होते हैं एंड उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स साइलेंट वर्ड्स तो हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक स्पेशल टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं जो उससे ही रिलेटेड होगा। लाइक दैट मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे करेक्टर होते हैं ए बी सी डी में, अल्फाबेट्स में, जिनको कभी कभी हम स क लाइक दैट पढ़ते रहते हैं। तो पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं उनको रियल में क्या और कब कैसे क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स हमारी एक टीम है जिन्होंने एक चैनल बनाया है प्रोफाउंड एजुकेशन के नाम से। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उस चैनल पे हम उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे जो बी सी एम सी ए करते हैं इग्नू से। उस चैनल में उस कोर्स से रिलेटेड बी सी एम सी ए लाइक मैथमेटिक्स और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें, हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, उस चैनल का नाम है प्रोफाउंड एजुकेशन, जिसमें आपको बी सी एम सी ए से रिलेटेड काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे मैथ्स के एंड अदर अदर सब्जेक्ट्स के जो आप इग्नू से अगर आप बी सी एम सी ए कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, उस चैनल का जो लिंक है ना, हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप प्लीज़ उस चैनल पर जाइए एंड प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उस चैनल से जो भी वीडियो बने, हमारी टीम जो भी वीडियो बनाए, आप तक ऑन द स्पॉट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए आज हम देखते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स का ऐसे भी करेक्टर होते हैं लाइक आप देख सकते हो सी एस के, उनको कभी कभी हम कुछ और पढ़ते हैं, लिखा कुछ और होता है, ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स आज जो वर्ड हम डिस्कस करने वाले, जो करेक्टर डिस्कस करने वाले, वो है सी। सी का उच्चारण क्या, सी को हम क्या क्या प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं, सी को हम कई सारी चीज प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, एक तो स, दूसरा क एंड तीसरा श। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं नोट वन में, अगर हमने कोई वर्ड लिखा जो सी से स्टार्टिंग हो और सी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए एंड वाई आ जाए। मैंने क्या बोला, अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड में सी के बाद ई आई वाई आ जाए, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है स। क्या होती है, स। एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम एग्जांपल भी देख सकते हैं इसके साथ साथ ही। जैसे कि मैंने लिखा सी आई आर सी एल ई, इसको होते हैं सर्कल, लाइक दैट। सी है, इसके बाद क्या आ गया, आई आ गया, तो आई इसमें है ना। तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे स से, तो ये हो गया सर्कल। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, आर आई सी ई राइस। तो फ्रेंड्स ये स से होगा क्योंकि आर के बाद जो आई है हमारा आर आई, ये जो सी है उसके बाद क्या आ रहा है ई, तो ई भी यहां पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो सी के बाद करेक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए ई आई एंड वाई। अगर कोई वर्ड है उसमें सी है और उसके बाद ही ई आई वाई आ जाए, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो हो जाएगी स। लाइक एग्जाम्पल सर्कल एंड राइस, ऐसे काफी सारे वर्ड होंगे, आप उनको चेक कर सकते हो। अब हमारा जो दूसरा नोट है फ्रेंड्स, वो है अगर सी के बाद ए आ जाए, ओ यू के आर टी, इनमें से कोई भी आ जाए, कोई भी कैरेक्टर आ जाए ए ओ यू के आर टी, तो जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो क से हो जाती है, क। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा सी ओ टी कॉट, इसे हम कॉट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कॉट, क्योंकि सी के बाद ओ आ रहा है, ओ यहां पे है। दूसरा आप देख सकते हो सी ओ डब्ल्यू, इसमें भी सी के बाद क्या है ओ, तो इसको हम क से प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो ये हो गया काओ। तो कई सारे वर्ड होंगे जिसमें सी के बाद ए ओ यू के आर टी, इनमें से कोई करेक्टर आता हो तो आप उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी सी की वो क से स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स अब जो हमारा लास्ट का वर्ड है वो होता है कभी कभी सी के बाद आई ए भी आ सकता है और ई ए भी आ सकता है। फ्रेंड्स तो इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे श। लाइक इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो एस ओ सी आई ए एल, एस ओ सी आई ए एल, तो सी के बाद क्या है आई एल, आई एल यहां पे है। तो फ्रेंड्स ये हो गया सोशल, सल सोशल सोशल। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, स की प्रोनाउंसिएशन हो गई। फ्रेंड्स आज हमने क्या सीखा कि हमारा जो सी कैरेक्टर है उसको कभी कभी हम स पढ़ते हैं, कभी कभी क पढ़ते हैं, कभी कभी श भी पढ़ते हैं। तो कहां पे श क श पढ़ेंगे उसकी मैंने डिटेल्स मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया। तो फ्रेंड्स आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप भी सीख सकते हो कि हम किस कैरेक्टर को किस तरह से और कब प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, जस्ट टेक केयर। I'm gonna go get some more.